Good morning, everyone. I, on behalf of AP Science Center and the Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology, would like to welcome you all. Due to COVID-19 pandemic, as we know, हम लोग freely market में नहीं घूम सकता है because of crowded. Is for us, who wants to stay inside and do the kitchen gardening without soil also. So let me introduce today's resource person. His name is Dr. Javed Anand. He is national resource person for hydroponics, master resource person in study Burmi compost under the Department of Science and Technology, Government of India. He is also coordinator of Nature Club under Vigyan Prasar. Let me briefly tell you about his contribution. 2019, he presented more than 20 scientific papers and published more than 100 articles. From 1992, he invented soilless culture known as. As in 2021, he is working as a national science communicator and national resource person in different state of India and abroad. And presently, he is working as an advisor consultant of organic farming, soilless culture, and plant nursery development at Al Fayrouz in Al Kabrak, Muscat, Oman. Thank you so much, and welcome, sir, and welcome everyone once again for today's program. Now, may I request Dr. Javed Alam to take over this session? Thank you very much, Vivek sir and Penny ma'am. आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम के लिए, समझा आपने, और मैं समझता हूँ कि आपके जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंगली विल डू लॉट ऑफ वर्क वी हैव डन, एंड ये सभी के लिए बहुत अच्छा, खास बच्चों के लिए, न्यूज़ बच्चों के लिए और उनके गार्जियन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये. तो जैसा कि हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू किचन गार्डनिंग के बारे में जानना, समझना, देखना कि बहुत जरूरी है. व्हाट इज हाइड्रोपोनिक, ये क्या है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, किसके लिए होता है, और फिर उसको हम लोग गार्डनिंग की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन रखेंगे और डेमो के थ्रू भी इसका हमको देखेंगे, समझेंगे. तो प्रॉपर्टी के थ्रू पहले हम लोग हाइड्रोपोनिक के बारे में देखेंगे. व्हाट इज हाइड्रोपोनिक, वैसे शॉर्ट में बता दूँ मैं, हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक टू ग्रो प्लांट विदाउट सॉइल बाय यूजिंग एनी न्यूट्रिएंट. यहाँ जो हम लोगों ने बहुत से काम में यूज किया है वो है बायोफोटेम एक न्यूट्रिएंट, जिसे ओल्ड पानी हवाने में डाल के फिर इसे यूज करते हैं. इसमें बहुत से मेथड्स हैं, सिस्टम्स हैं, न्यूट्रिक मेथड, न्यूट्रिक मेथड, एबेनफ्लो मेथड, वाटर फ्लो सिस्टम्स, इससे अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल बेस्ड, नॉब सोल्यूशन, सैक सोल्यूशन, ऑर्गेनिक सोल्यूशन, एनबीआरए सोल्यूशन, इन सारे सोल्यूशन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को यूज करके हम हाइड्रोपोनिक के थ्रू किसी भी पौधे को ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग का काम कर सकते हैं. या द वर्ल्ड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स फॉर्मिंग प्लांट्स इज सॉइलस. हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइलस कंडीशन यूजिंग न्यूट्रिएंट्स. द वर्क हैव बीन डन एट आवर क्लब वर्ल्ड क्लब ऑफ इंडिया. इज अ वर्क है, बहुत पुराना है हाइड्रोपोनिक सिस्टम, लेकिन 1920 के आसपास हाइड्रोपोनिक द वर्ल्ड बाय टेक्नोलॉजी प्लांट्स बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स इन वाटर सैंड स्टोन, दीज आर द सपोर्टिंग मीडिया. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स 1920 में हुए. मेथड ऑफ सॉइलेस कल्चर हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. एंड इन 1929 डॉक्टर डब्ल्यू एफ गैरिकी फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ब्रॉट द सॉइलेस कल्चर वर्क आउट ऑफ लेबोरेटरी born by the growing of 25 feet high plant, tomato plant in water culture. And who named his experiment hydroponics? Hydro plus ponos is working. 39, 45, 70, onwards hydroponics आया और अब तक हम लोगों तक पहुंचा. ये कुछ hydroponics, geoponics difference है. Soil plants, soil gardening as well as gardening. ये रिक्वायरमेंट सवाल के अलग हैं, सवाल इसके अलग हैं, लेकिन बहुत इजी ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट
ये बहुत इजी टू डू, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू मेंटेन है देन द सोइल कल्चर एंड कॉर्नर। दीज आर द हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स, लोटक मेथड, नोटक मेथड, हाईटेक मेथड एंड एवन फ्लो मेथड। अभी जो देखेंगे बात आएंगे इसमें इन सब सिस्टम को भी हम लोग देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। दीज आर सम न्यूट्रिएंट्स, द बेसिक क्रू ऑफ द हाइड्रोपोनिक इज द न्यूट्रिएंट्स and these are some nutrients is called knob solution, is called sack solution, is called Hoglan solution, is the oldest solution, and the NBRI is our Indian health solution, is called National Botanical Institute Lucknow UP solution, and the biofoam made by us, and here we have used in this our presentation, so you can see it. Different aspects, social aspect and commercial aspect. Activity for science clubs, especially for the innovation hub members. Adopt plant, a plant, care and treat. To know the need of a plant, to study about different parts of the plant, to understand different methods of plant propagation, to increase the observation skill, to increase the hands-on activities, to enhance the economic condition by doing some eco-friendly activities like doing kitchen gardening. This is our contribution in hydroponics. The system is called method of 30 words and 30 drops. 30 words is the system, methods, and drops is the nutrient content, one element in the water. This is hydroponics systems. Take some plant material, left side, make solution, take some plant cutting with root or without root, and put a plant to become a farmer in the process. These are some presentation among the high ups. Next. Performance. अभी हम लोग कुछ हाइड्रोपोनिक्स के वर्क करेंगे, देखेंगे और फिर हम लोग किचन गार्डनिंग के बारे में। ये वर्कशॉप्स जो भी हम लोगों ने स्टेट काउंसिल के द्वारा गुजरात अहमदाबाद ने किया, ये किचन गार्डनिंग थ्रू हाइड्रोपोनिक्स की बात भी हम लोग करने बैठे हैं, तो इसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है कि प्लांट कैसे, हाइड्रोपोनिक क्या है, कैसे करते हैं, और फिर प्लांट कौन से प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे। Gardening at home without a garden, these are salad plants for our gardening, kitchen gardening, for table purpose. Hydroponic is simply the growing plant without soil. Minimity for the life. ये थोड़ा सा पूरे hydroponics को generally दो part में divide करते हैं. One is the domestic hydroponic and second is the commercial hydroponic. Domestic hydroponic में हम लोग ornamental plants, छोटे plants, little plants लगाते हैं, और commercial hydroponic में generally production of vegetables, flowers की बात करते हैं। तो अगर जब हम लोग gardening की बात करेंगे तो commercial hydroponic के अंदर ये systems, ये plants काम करेंगे, ये छोटे plants है, left side soil plants and right side hydroponic plants, the other plants, deep water system. This cucumber, vegetables. These are plants. इसको हम लोग यहाँ डेमो में देखेंगे कैसे करते हैं। These salad plants, ये छोटा जीपी पॉट है, उस जीपी पॉट में इस प्लांट नर्सरी रेडी करके ट्रांसफर कर देंगे, और फिर इसे उस सिस्टम में हम लोग न्यूट्रिएंट फ्लो सिस्टम में लगाएंगे, जिसको हम लोग देखेंगे। ये टमाटो अलग प्लांट, वैसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, ये कुछ सपोर्टिंग मीडिया है प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो न्यूट्रिएंट फ्लो सिस्टम हो, डीप वाटर सिस्टम हो या और कुछ सिस्टम हो। ये रॉकूल है, ये हाइड्रोटोन है सपोर्टिंग मीडिया, और ये सपोर्टिंग मीडिया कोकोपीट है, सैंड है, स्टोन जी यहाँ इसका, तो वो भी दिखाएंगे अभी आपको। ये वाइटेड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टमाटो एंड हाइड्रोपोनिक्स, ये अलग वाइटिंग अलग रिजल्ट
प्रोडक्शन जो है वो ये है हाइड्रोपोनिक्स से, हम डिफरेंट क्रॉप्स ले सकते हैं, ये चिली हमारी, ये ऑर्किड्स, ऑर्किड्स ऑलरेडी सॉइललेस प्लांट्स हैं, इसको भी हम इसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये पवक मेघालय से बायोडाइवर्सिटी बीआरडी मेघालय, ये वहाँ से किया गया, वहाँ भी हम लोग कंट्रीब्यूट किया हुआ। ये कुछ न्यूट्रिएंट रेडीमेड न्यूट्रिएंट है जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, इसके बहुत से लिमिटेशंस है यूज करने में और रखने में बनाने में, जो बहुत अपने आप में बहुत ही इजीली है ये सिस्टम। इसके लिए जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, एक छोटा सा पॉली हाउस का होना जरूरी होता है, जैसे कल कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, प्लांट्स रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जो प्लांट को जो ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए वो मेन फैक्टर है टेम्परेचर या ये पीएच, क्योंकि जो उसमें डालते हैं केमिकल्स नब सोल्यूशन हो सैर सोल्यूशन हो, इस सारे सोल्यूशन का अपना एक पीएच जो डिफरेंट प्लांट टू प्लांट कंडीशन है एंड टेम्परेचर वेरी करता है, इस पीएच को भी स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है इस सिस्टम में, इसको भी जांचना समझना बहुत जरूरी होता है। एक ग्रीन कैबेज, एक कोरिएंडर, फिर आपने किचन गार्डन का ये सब ये लीफी प्लांट हुआ है, सलाद लीफ, ये पूरा सिस्टम कराता है, एक वर्टिकल स्पेस न्यूट्रिएंट फ्लो सिस्टम के अंदर ये काम करता है टेक्निक। लार्ज स्केल कमर्शियल फार्म है और ये सलाद प्लांट्स फार्मिंग के लिए कमर्शियल फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग फॉर सलाद प्लांट्स सेटअप, ये सलाद प्लांट का ही वर्टिकल पॉट है, वर्टिकल पॉट में एक एक ही पॉट के स्टैंड में प्लेस में लगभग 6-8 प्लांट पॉट है और एक एक पॉट में 4-6 प्लांट्स लगे हैं, पूरा वर्टिकल हाइट स्पेस का इस्तेमाल करने जेनिस वाल गार्डनिंग में नहीं हो पाता, ये अनडेवलप्ड प्लांट्स है, इसमें टेम्परेचर का बहुत फैक्टर नहीं है, ओपन कंडीशन में गुवाहाटी में क्या वर्क रिजल्ट है कि शिलांग साइंस डेवलप किया, अभी हम लोगों ने अगरतला त्रिपुरा साइंस सेंटर में डेवलप किया हाइड्रोपोनिक गैलरी बच्चों काम करने के लिए प्लस विजिटर्स के लिए और उनके और के लिए ये मैक्रो ग्रेन्स बाय आलम हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स से मैक्रो ग्रेन्स इस्तेमाल करके हम अपने किचन गार्डनिंग का एक बड़ा पार्ट डेवलप कर सकते हैं, अपना हेल्दी रह सकते हैं। इसमें हम लोग जनरली ये जो ग्राम्स है इनको पहले सोक कर ले, सोक करके इसको स्प्राउट कर ले, स्प्राउट करने के बाद फिर इस तरह के तो दिखाएंगे हम लोग नेट पॉट में सेट कर दें और नीचे बॉल है पाउडर है चलता रहेगा और ये ग्रो करता जाएगा और ये ग्रो करके वो ऐसा ग्रो होगा और ये अल्टीमेटली इसके रूट्स नीचे ऐसे ग्रो होंगे और ये प्लांट्स नीचे वाटर में इसके रूट्स आएंगे और वो प्लांट्स निकल के आएंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी टू हार्वेस्ट होगी, ये ऊपर से कटिंग करके हम लोग ग्रीन लीव्स ले सकते हैं, ये ग्रीन लीव्स ही हमारा किचन गार्डनिंग के लिए स्वाद प्लांट्स काम आएगा। ये फार्मर्स के लिए कमर्शियल क्रॉप करने के लिए रेजिंग राइस सीडलिंग्स को भी सरफेस पर सीड को प्रेस सोक करके ओवरनाइट या फैला दें और पॉलिथीन सीट पर और गरीब बैग से कवर अप कर दें, गरीब बैग मॉश करके गरीब बैग ड्राई होकर फिर मॉश करेंगे, ये 4-6 दिन एक हफ्ता ऐसे कवर रहेगा, एक हफ्ते बाद जिसमें हटाएंगे तो ऐसा 2-3 का ग्रोन अप
सिडनी नर्सरी मिलेगा और फिर इसको सेट कर देंगे पीएसवी से तक जाएगा और अगले हफ्ते नहीं एक एक दो वीक में ये नर्सरी हमारा रेडी हो जाएगा फॉर द ट्रांसप्लांटेशन एंड क्रॉप एंड फॉर एज एनिमल फोडर इस तरह। इस पूरे हाइड्रोपोनिक में पुश प्लांट्स मटेरियल का नर्सरी रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो नर्सरी रेजिंग हम चाहे सीड से करें चाहे कटिंग से करें चाहे प्लांट के अलग मटेरियल से करें, वो नर्सरी रेजिंग कैसे करेंगे इसको देखेंगे हम। ये सीड्स ये ग्राम और पटरला है, ये प्लांट्स हमारे निकल के आ रहे हैं, प्लांट हम रेडी कर रहे हैं सीड्स बाय सीड्स करते हैं। फिर ये प्लांट मटेरियल में अगर जो है मॉडिफाइड एस्टेम पोटैटो अगर वो जैसा प्लांट मटेरियल है कैसे ग्रो करें जिमेट करेंगे नर्सरी रेडी करेंगे बल्बस प्लांट फिर उन्हें ऐसे करेंगे लहसुन वाले ऐसा करेंगे कुछ कटिंग्स अगर है लाइक मिंट कुछ कटिंग्स कैसे ग्रो करेंगे लहसुन इसे ग्रो करके फिर इसे दो तरीके से या फिर इसमें छोड़ देंगे थोड़ा पॉट बड़ा है इसमें ज्यादा है जब से तो प्लांट इसमें ग्रो होगा निकल के रिजल्ट देंगे आपको नहीं फिर इसे अलग अलग जीवी पॉट में नर्सरी ग्रो करेंगे हम लोग इसे से। ये कोकोपीट में ये जीवी पॉट्स हमारे हैं में ये स्टोन्स ये सपोर्टिंग मीडिया ये जीवी पॉट्स हमें हमारा नर्सरी ग्रोन अप होगा और नर्सरी को ग्रोन अप करके फिर हम लोग बड़ा सिस्टम है हमेशा का हाइड्रोपोनिक का न्यूट्रिएंट फ्लो सिस्टम इसमें ट्रांसफर करते हैं जैसे यहाँ क्या हुआ ये हुआ ये शुरू से निकल गया। अब अगर हम ये प्लांट मटेरियल खराब हो गया ये चेंज करना है दूसरा प्लांट मटेरियल रेडी कर लिया और फिर उसके लगे इसमें चेंज हुआ करते हैं इस तरह से। तो ये प्लांट में जो सपोर्टिंग के लिए जी पॉट भी है फिर इसको इंडिपेंडेंटली इस तरह से फोम का सपोर्ट देके भी करते हैं। इसमें फोम के सपोर्ट में जनरली मैरीगोल्ड्स प्लांट्स है फ्लावर का इस चाहिए इसे इसमें फोम लेते हैं फोम बीच में होल करके साइड से कट करके प्लांट मटेरियल इन कर देते हैं और फिर इसे उस पाइप पर सेट करते हैं। ये आस्ता आस्ता इसमें ग्रो होगा चलेगा इसके लिए सेटअप के लिए ये हमारा भर दिया टाइम सोल्यूशन डिप्लीकेशन के थ्रू ड्रॉप ड्रॉप स्लो स्लोली फ्लो हो गया यहाँ ये पाइप पे पाइप में आने के बाद ये पूरा पाइप हमारा फुल हो गया जो फुल हो जाएगा फ्लो करेगा जो यहाँ से फ्लो हो गया नीचे से आगे इस पाइप नीचे पाइप में आएगा और ये नीचे पाइप ये पार्ट फ्लो करके प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करने के बाद ये आगे आके यहाँ जमा कर लेंगे फिर से यूज कर लेंगे। इस तरह न्यूट्रिएंट का पूरा फ्लो होता है फ्लो होने से न्यूट्रिएंट का एक्सटेंशन नहीं होता है और ये प्लांट का ग्रोथ अच्छा बेहतर बढ़िया हो जाता है। इस तरह से होता है न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक तो इस तरह छोटे पॉट बड़े पॉट में हम लोग दो चार पौधे से लेके बड़े पौधे भी इजीली ग्रो कर सकते हैं और गार्डनिंग ही नहीं पूरा किसी गार्डनिंग का काम भी ले सकते हैं और खास के इनोवेशन हब के बच्चे इन सब को अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज को बना के और डिफरेंट प्लांट्स के ऑब्जर्वेशन के लिए काम ले सकते हैं। रूट्स नो रूट्स रूट्स में कब निकल के फुल कितना ग्रो कर रहा है कैसे ग्रो कर रहा है कुछ साथ और ये सारा था हमारे डाइनिंग टेबल पर सक्सेस होगा और जब बैठेंगे हम तो जब इंजॉय करेंगे वर्क करेंगे हमारा पूरा एनवायरमेंट बहुत क्लीन एंड हेल्दी होगा और हाइड्रोपोनिक का ये छोटे से हर लोग इसको कुछ कर रहे हैं
पोषण काम में सकते हैं और ये मैं बात कर रहा है निकल के आएंगे अब एक वीक में ये दो तीन चार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं हम लोग चाहे वो भिंडी का हो चाहे वो मटर बीन का हो वो तुलसी का हो चाहे मीडिया हमारा हो या वाटर चाहो डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट अपने किचन गार्डनिंग का कर सकते हैं और सेल्फ मेंटेन हो सकते हैं और हमारे बच्चे जो घर के हो या यहाँ के बच्चे हो अपना एजुकेशन एक्टिविटी भी सकते हैं और लाइवलीहुड बना के गार्डनिंग का भी तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। थोड़ा सा उसका कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे किचन वेस्ट है तो उसको हम लोग किस ढंग से किचन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। जी जी किचन में आप किसी एक कंटेनर जमा कर लें, जमा करने के बाद थोड़ा सा कंटेनर इसमें जो एनोकलम उसमें जो डिकेइंग माइक्रोब्स है जो नेचर ने दे रखा है फिर वो डिकेइंग शुरू हो जाएगा और डिकेइंग के बाद उस डिकेइंग जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर हम पूरा करते हैं और फिर उसमें मॉइस्चर को अलग टाइम देखने ज्यादा हो गया तो बाय ड्रिप इरिगेशन या नीचे टैप खोल कर उसे निकालते हैं। इस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा सर? इस प्रोसेस लगभग 3-4 वीक लगेगा। 3-4 वीक ओके ये वो सिस्टम है सर। जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है हम लोग स्टैगनेंट बॉटल में अगर प्लांट लगाते हैं तो कितने दिन पर उस सॉल्यूशन को रिमूव करना है? ये न्यूट्रिएंट का लिक्विड मीडिया एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है। ऐसा कंटेनर बनाते हैं चैप लगा के ये मटेरियल इसमें डिकम्पोज होता जाता है और आस्ता आस्ता उसमें लिक्विड डालते हैं मॉइस्चर ये मॉइस्चर डिकम्पोज यहाँ होता सकेट और इस तीसरे कंटेनर में ये ओवरनाइट कलेक्ट होगा दिस कॉल होमी वॉश और यही लिक्विड मैनर का काम करेगा फॉर हाइड्रोपोनिक एज वेल एज सोयल प्लांट्स आल्सो। तो इसके थ्रू हम लोग सर आके बहुत इजीली काम ले सकते हैं। जी सर हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वाटर सर्कुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअस मोटर चाहिए उसके लिए। तो मैनुअली हम लोग कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन फ्लो को मेंटेन करने के लिए कितने दिन पर उस न्यूट्रिशन को हम लोग रिप्लेस करें या चेंज करें? अगर वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन है तो ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ मंथ, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द प्लांट एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द प्लांट एंड टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होगा कर देंगे और तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लो सिस्टम में जो बताया हमने बहुत लो कॉस्ट हैंडमेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और ये बहुत स्लोली स्लोली यहाँ से सर्कुलेट होता है और आगे आगे निकल के आता है कलर कर लेंगे और फिर ये रिसाइकिल कर लेंगे। ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही हैंडमेड और बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत इजीली काम हो जाता है। या इसको जब आप बड़े स्केल पर करेंगे तब वहाँ मोटर की जरूरत है, जब मोटर यूज करेंगे तब 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्लस उसमें वाटर का फ्लो भी ज्यादा होता है। लेकिन जब ज्यादा कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तब वहाँ ये सिस्टम जरूरी होता है। डोमेस्टिक या स्मॉल स्केल पर इस सिस्टम को कंसाइज करके कम करके स्लो करके हम लोग कम कॉस्ट पर सिस्टम को बना के काम कर सकते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए नो नीड, जो डीप वाटर सिस्टम है इसी कंटेनर में सोर्स बना के डाल दे। जैसे ये हमने डाला गया अभी करके दिखाया गया ये मिंट का। सर एक क्वेश्चन और है,
आपने अभी दिखाया ऑर्किड ग्रोथ का, जी सर काइंडली थोड़ा सा उस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से बता दें। अच्छा, हम लोग को ऑर्किड का प्लांट ये सब कहाँ से मिल सकता है, और वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लांट है। आपका एरिया तो काफी रिच एरिया है ऑर्किड के, नॉर्थ ईस्ट उसमें आसाम गुवाहाटी जेखने ऊपर वाले पॉट में प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल सपोर्ट करने के लिए कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर सकते हैं, और ये पॉट में सोल्यूशन है, इस तरह से प्लांट इसमें काम करता है। तो ये प्लांट थ्रू रूट्स भी सोल्यूशन ले लेगा और काम करेगा। नीचे कंटेनर में सोल्यूशन, ऊपर कंटेनर में प्लांट लगेंगे हमारे, और प्लांट के रूट्स ये आस्ते आस्ते रूट्स निकल के आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये आ जाएगा सोल्यूशन में आ जाएगा। इनिशियली अगर रूट्स नहीं है तो एक वीक लगाते लैंटर्न और लैंप कहता वीक लगाते हैं, उसी वीक से ये सोल्यूशन से रूट्स तक पहुंचता जाता और ये काम करता है। इसके थ्रू हम लोग ऑर्किड को भी या दूसरे को, जैसे छोटे पॉट में हम लोगों ने यहाँ पर ओनियन लहसुन ग्रो करने की कोशिश की है, जो आज से सीख जाएंगे इसमें, और ये ऐसा कर सकते हैं जी। थैंक यू सर। और कुछ? या बच्चों के लिए बहुत ही एजुकेशन एक्टिविटी भी है, बहुत से लर्निंग बाय डूइंग करके प्लांट का इनिशियल प्लांट जर्मिनेशन सीड कटिंग्स और प्लस प्रेजेंटेशन कि कैसे प्लांट्स को हम लोग प्रोपगेट करें, जब प्लांट प्रोपगेट करना आसान हो जाएगा जान लेंगे हम लोग, तो इसमें भी इसको लगाना मेंटेन करना आसान हो जाएगा। जो रिक्वायरमेंट से प्लांट का, चाहे वो कटिंग का हो, सीड का हो, जर्मिनेशन का हो, चाहे वो प्लांट्स हमारा पत्ते वाला हो, फूल वाला हो, फल वाला हो, कि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग मेथड में, अलग सिस्टम में, अलग अलग प्लांट को कब कैसे ग्रो करें, यही हमारा पार्ट ऑफ द स्टडी होगा। और ये बहुत ही अच्छा हमारा लोगों के बाद, ये बहुत ही अच्छा हमारा गिफ्ट आइटम भी होगा, हम दूसरे को दे सकते हैं जी। ये सारा बातें तो हुई ऑनलाइन पर, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि उस ईटानगर साइंस सेंटर में इस जैसा हाइड्रोपोनिक गैलरी भी डेवलप होती, जैसे अदर अगरतला साइंस सेंटर में या शिलांग साइंस सेंटर में डेवलप होगा, तो ये बच्चे ज्यादा कुछ कर पाएंगे, इंटर कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये रेगुलर साइंस एक्टिविटी भी हो पाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम लोग इस लाइन पर काम करेंगे जी जी जी। तो इससे कंसर्न कहीं तो जो भी हमारा हमारे को जरूरत लगे रिक्वायरमेंट, तो आप कहें तो अवेलेबल फॉर यू, हम लोग इसके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इफ एनीबॉडी हैज सम क्वेश्चन प्लीज आस्क। सर मेरे तरफ से क्वेश्चन है जी। सर अगर हम हाइड्रोपोनिक्स एक्वेरियम में करना चाहे तो सर जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग डालते हैं वो क्या मछली पे इफेक्ट करेंगे क्या? हाँ, जब अगर एक्वेरियम में यूज करेंगे प्लांट एक्वेरियम, तो उस एक्वेरियम के लिए ये इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस बहुत यूजफुल नहीं है। सो ऑर्गेनिक यूज करने के लिए पहले उस प्लांट को हम लोग अलग से ग्रो करते डेवलप करते हैं, उसमें सेल्फ मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप करते हैं, इकोसिस्टम। वो वैसे प्लांट के लिए दो चार घंटे की धूप में दिखाऊँ मैं, वैसे प्लांट के लिए दो चार घंटे की धूप की जरूरत है। धूप लगने से जो जो न्यूट्रिएंट दिया है, जो जो यहाँ यूज किया हम उससे उसमें ब्लू एलगी डेवलप होता है, और वही ब्लू एलगी इन फिश का एक बहुत ही नेचुरल फिश फूड का काम करता है, और उससे फर्दर जो लाइट लगेगी फोटोसिंथेसिस होगा, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वही ऑक्सीजन उस पूरे सिस्टम को एडिट भी करेगा। इस प्लांट एक्वेरियम को मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगा, और इसकी ब्यूटी बिल्कुल अलग देखने मिलेगी आपको। और इसको तो सेम एक्वेरियम में या दूसरे पॉट को एक्वेरियम बनाने करते हैं जी।
हमारे फिश के लिए बहुत ही निशुल्क फिश फूड का काम करता है और इसकी गिनती में लाइट लाइट लगती है ऑक्सीजन रिलीज होगा और ये प्लांट के लिए और फिश दोनों के लिए काम कर रहा है। थैंक यू सर। जो यहाँ यूज किया हम लोग वो है बायो मटेरियल 100% ऑर्गेनिक है तो प्लांट के लिए एज फिश के लिए 100% नॉन टॉक्सिक है, कोई काम करने में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे लास्ट में हमारे हर अपने गार्डन का व्यू देख रहे हैं आप, ये प्लांट रूट्स रूट्स की बड़ी जो नेचुरल ब्यूटी है सगट है तो कभी हम लोग स्वयं में नहीं देख पाते हैं, अगर निकाला तो वो प्लांट डेंज कर जाएगा। यहाँ पर रूट्स में टैप से रूट्स और फैट इज रूट्स टैप सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट और रूट कैप बिल्कुल इजीली विजिबल देख सकते हैं हम लोग। देखें कितने टाइम में कितने दिन में कितना ग्रोथ है कितने वाटर जो मिला है ये डिफरेंशियल एक्टिविटी है डेली हमको बुक में सवाल पूछने में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ये बड़े पावर वर्टिकल स्पॉट कार्ड में फॉर्म है ये पहले यूज किए आप और फिर इसमें यूज से सेकंड रहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर मेरा एक सवाल था विदाउट न्यूट्रिशन हम लोग उसको पानी में उगा सकता है क्या विदाउट न्यूट्रिशन? नहीं, खाली पानी में जो कि न्यूट्रिशन नहीं है इसलिए बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि वाटर में कुछ तो मिनरल सॉल्ट सही है तो फॉर द टाइम बीइंग मंथ टू हार्डली चलेंगे नहीं बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन को बहुत नहीं करें क्योंकि वो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन इज द सीक्रेट। न्यूट्रिशन चाहे जैसे भी हो चाहे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में यू हैव टू प्रोवाइड देम थ्रू चाहे वो वाटर कल्चर में हो सैंड कल्चर में हो स्नो कल्चर में हो या कोको मीडिया में हो चाहे जिस भी मीडिया में हो न्यूट्रिशन देने से ग्रोथ डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी ये सब अच्छा होंगे। अदरवाइज प्लांट लाइक मनी प्लांट को हम लोग सब पानी में करते हैं लेकिन समटाइम जाने के बाद नंबर ऑफ द लीव साइज ऑफ द लीव कलर ये सब इसका खराब रहता है तो बेटर मेंटेनेंस के लिए कोई न्यूट्रिशन एक ऐड करना होगा तभी वो अच्छे चल पाएंगे अदरवाइज बहुत लंबे समय तक अच्छे से नहीं चल पाएंगे। जी सर तो आप न्यूट्रिशन जो हम लोग हाइड्रोपोनिक के लिए जो यूज करेगा तो न्यूट्रिशन आपको आप उसका नाम आप थोड़ा डिटेल में दे देंगे? अरे उसका नाम ऐसे यहाँ यूज किया हम लोग नाम है बायोफोट एम एक्चुअली वो हम लोगों ने डेवलप किया यहीं से मिल पाएगा फिर सर भी वहाँ से हमारा ऑल ओवर इंडिया कुरियर सर्विसेज है हम लोग कुरियर से भेज सकते हैं या बाद में फिर आप बिकॉज ऑफ टाइम तो वर्मी वॉश यू कैन डेवलप इट ऑल्सो देयर वो भी बना सकते हैं आप या ऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं आपने यहाँ हाइड्रोपोनिक में दो चीजें हैं एक है मटेरियल एक है मेथड। मटेरियल में दो चीजें एक है प्लांट मटेरियल एक है न्यूट्रिएंट मटेरियल और मेथड में सिस्टम्स तो कौन सा प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट में लगा के कौन से मेथड यूज करेंगे इज ऑल अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स यही हाइड्रोपोनिक्स है। थोड़ा सा इससे पहले
जी सर। सर तो हम लोग उसको मतलब किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मतलब कि कौन से प्लांट को कौन सा जगह पर लगाना है, जैसे कि मनी प्लांट को आप बोला है और उस तरह हम लोग मनी प्लांट है और अदर ऑर्नामेंट प्लांट्स है, तो उसको हम लोग किस तरह से उगा सकते हैं जी, मतलब किस तरह से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके मतलब कि कैसे उगाना है, मतलब वही उगाने का मेथड तो इसमें बुक में दिया है। वैसे हमारे बुक में एक चैप्टर है प्लांट सेलेक्शन गाइड, अपने प्लेस जगह सन और इसके हिसाब से आप कौन सा प्लांट चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लिफी हो, फ्लावरिंग हो, या फूडिंग है, या वेजिटेबल है, इसके भी कर सकते हैं, या आप कुछ इनिशियली दूसरा प्लांट ग्रो करने में ही फिर ट्रबल फील होगी आपको, फिर एक बार जब ग्रो हो जाए दूसरा प्लांट और उस आइडिया खुद हो जाएंगे आपके पास, देन यू कैन ऑल्सो इन अ फॉर्म आप खुद ही दूसरे को आइडिया दे सकते हैं। तो कहीं से काम शुरुआत करें, उसके बाद देन उसके बाद फिर ऐड किया जा सकता है। वो शुरुआत करने की जगह या ट्रेनिंग सेंटर हमारा खुद का इटानगर साइंस सेंटर भी हो सकता है, वहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, या इंडिपेंडेंटली भी आप लोग कर सकते हैं बाय वर्क कंसल्टेंट से, एज यू लाइक। अभी बहुत सारे मेथड सिस्टम्स नेट पर अवेलेबल भी है, या हम लोग के थ्रू भी है, या आप इंडिपेंडेंटली वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। अब ये बहुत डिफरेंट नहीं रहा। यस हेलो सर, सुन पा रहे मुझे? हाँ सर, आपके लिए दो क्वेश्चन है। पहले सर यूजुअली क्या रहता है कि जब प्लांट्स को ओवर करते हैं तो प्लांट्स मर जाए ना, तो हाइड्रोपोनिक्स में ये क्या डिफरेंस है जो प्लांट्स को मरने नहीं देता, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि क्या ये वाटर रेजिस्टेंट प्लांट्स के लिए चलता है, क्योंकि मैंने आपके जो गार्डन में जो प्लांट्स का कलेक्शन उसमें कोई सकलेन नहीं था, तो ये क्या सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट प्लांट्स के लिए है सिर्फ ये हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम टेक्निक? नहीं, वो भी है, प्लस खराब रहते हैं और सॉलेस में जो डालते हैं वाटर हम लोग न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स के बाद है, प्लस अनवांटेड माइक्रोब्स डेवलप करते हैं सॉइल कंडीशन में, वो उसके वजह से प्लांट हमारा डीके होता है, प्लस प्रॉपर में हाइड्रोपोनिक में बहुत ओपन कंडीशन होता है, तो यहाँ पर वो सब रिक्वायरमेंट पूरा होता है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशन में इतना 2-3-4 फीट हाइट के हैं, और पूरा वाटर फुल है ये, और रूट इसमें फुल डीप है, प्लांट्स 2 फीट के रूट इसमें 4 फीट डीप और अंडर वाटर इसमें चल रहा जी। ये दूसरे इनऑर्गेनिक में ऐसे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे आप, उसके लिए न्यूट्रिएंट का फ्लो होना बहुत जरूरी है जी। ये मिंट लगा का रिजल्ट है, रूट सागर अब चार दिन इसमें छोड़ दें हम, या फिर दूसरे मीडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हमारे डाइनिंग टेबल के लिए। यस और सर, तो हम लोग क्या इसका पानी को डेली डेली बेसिस में चेंज करना होगा ना, ये ऐसे ही रहेगा मतलब कि हम लोग जो न्यूट्रिशन डालेगा कितना दिन के लिए वो रहता है? अगर अगर न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं तो चेंज नहीं करना होगा, जिसे न्यूट्रिएंट बनाया हमने ये न्यूट्रिएंट ये सॉल्यूशन, इसको वंस अ ट्वाइस इन अ वीक एज रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन इसमें इतना रहना है कि रूट से डीप है, अगर यहाँ से नीचे आता घटता कम होता है तो ही ऐड करना इतना है कि उसके रूट्स डीप रहे, उसी लेवल को मेंटेन करना है, अदरवाइज फिर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
तो फॉर एग्जांपल तो लेकिन अगर न्यूट्रिएंट यूज नहीं कर रहे हैं ओनली वाटर देन यू हैव टू चेंज द सोल वाटर सॉल्यूशन ऑलमोस्ट पैस बट ओनली फॉर स्मॉल प्लांट्स टू सम एक्सटेंट नॉट फॉर बिग प्लांट्स छोटे पौधे को हम बिना मिट्टी के लगाने के लिए वाटर में कर सकते हैं वाटर में और वाटर क्वालिटी कैसी है डिपेंड उस पर करता है किसी कहीं वाटर में आयरन ज्यादा है कहीं कैल्शियम ज्यादा है तो उसमें खराब आ सकता है लेकिन जो हम लोग पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर उस ड्रिंकिंग वाटर में प्लेन वाटर से काम हो सकता है लेकिन चेंज इट ट्वाइस थ्राइस इन ए वीक बट व्हेन यू यूज द न्यूट्रिएंट देन नो नीड ऑफ चेंज द सॉल्यूशन You have to add the solution as if required once or twice in a month, not daily. Yes. सर तो हम लोग जैसे कि एक पॉट में तो हम लोग जैसे कि एक प्लांट रखेंगे तो उसको कितना मात्रा में हम लोग ये न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा आप अलग से एक लीटर वाटर में सो सामान है मन का ये रेशियो मेंटेन है और फिर अलग पॉट में प्लांट डालने के बाद ये सोल्यूशन डाले इतना तो जरूर हो जाए और फिर जब कुछ दिन के बाद कुछ खर्च घटेगा सूखेगा फिर इसमें टाइम टू टाइम ऐड करते जाएंगे लाइक दैट जैसा कंडीशन कर दिया वो अगर जब ड्राई होगा घटेगा फिर इसमें ऐड करेंगे लाइक दैट ये एज रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द प्लांट एंड टेम्परेचर प्लांट कंज्यूम भी करेंगे और कुछ लॉस भी होंगे इस दोनों को हम लोग कम करेंगे By adding the solution, it depends upon once in a week or twice in a week, not daily, or sometime once in a month. Or ये well maintained है चलेगा. ये तुलसी की कॉपी में. इसको हम लोग sunny place, lighty place या indoor जगह रख सकते हैं. और कुछ दिन बाद जब इसका upper surface dry होगा, तो फिर इसका dry करने के बाद as well. ये सॉल्यूशन डालेंगे इतना इसका अपर लेवल डीप हो जाए नॉट डेली सॉइल वर्सेस सॉइललेस एक बड़ा बेनिफिट ऐसे डेली वाटरिंग नहीं है इरीगेशन नहीं करना है और वाटर विद न्यूट्रिएंट रेगुलर रहेगा तो बहुत इजी डेवलपमेंट है चलते जाएंगे और होते जाएंगे ये यूज पॉट में तुलसी और Or anyone? Thank you. Hello, sir. Yes. Sir, अब थोड़ा हम succulents को घर में के जिन्ना थोड़ा hydroponic techniques. Succulents में कौन सा plant बताइए? Succulents आपके साथ जो है वो दिखा दीजिए सर जी. आपके साथ जो है वो दिखा दीजिए. अच्छा हम दिखा रहे हैं अभी ब्लड विलाई ये नॉट स्पेडली जो बल्बस प्लांट है बल्बस प्लांट लाइक दिस ये ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स के एज के हैं पता भी देखो जो सॉल्यूशन है तो प्लांट मटेरियल भी अवेलेबल है टूल्स भी आ गए अभी इसमें फ्लावर आया था लास्ट मंथ ये फ्लावर आया था प्लांट्स हेलो स्नेक ये कैक्टस बना हुआ कैक्टस सॉरी बोनसाई इन सैन कल्चर स्टोन कल्चर बोनसाई ये सब लगे स्नेक प्लांट वाटर कल्चर इससे से यू कैन ग्रो मेसोफिटिक जियोफिटिक कल्चर हाइड्रोफिटिक होता ही है आज दिखाते हैं और
any more question? We are ready to share that with you. Any other participants? जी सर, और एक और हम सर, अगर हम लोग उसमें न्यूट्रिशन भी डालता है तो मतलब कि इंसेक्ट से कुछ मतलब कि उसमें इंफेक्शन हो या मतलब कि या मतलब न्यूट्रिशन में ही मतलब कुछ ऐसा है मतलब चीज है केमिकल से जो इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है. हाँ, how we can protect from insects? नहीं, इंसेक्ट अफेक्ट के लिए तो फिर अलग से कुछ इंसेक्ट अफेक्ट से यूज करना पड़ेगा. This is basically this is a plant nutrient, so it will provide nutrition to keep healthy for growth development, not from the insect and pest. It is not an insect and pest. It is a plant nutrient. उसके कुछ इंसेक्ट उसके हमारा आप अल्टीमेटली जब काम को शुरू करेंगे तब कुछ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. अरे सुनने से देखने से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आ पाते हैं. उस काम जब कहीं आप तब कुछ कंफ्यूजन या क्वेरी आएगी तब थोड़ा सा उसको जान कर ले आप उसको आप बाय 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 फेसबुक या बाय व्हाट्सएप या बाय कॉल या बाय कॉरेस्पोंडेंस वी आर रेडी टू शेयर विद यू इन ऑल द केसेस. यस सर, हमारा इनोवेशन हब में भी हाइड्रोपोनिक्स यूनिट थोड़ा सा सेटअप किया है. अभी देखता है सर, कल को कुछ क्वेश्चन होने से आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे. और जैसे ही कुछ सिचुएशन फेवरेबल होता है तो एक आगे हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं और टू मेकिंग द रिपोर्टिंग गैलरी. जब वो एक 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 इनिशिएशन शुरुआत हो जाएगी ना तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा और फिर वो आस्ते आस्ते वो इंक्रीज हो जाएगा. तब तब क्वेश्चन बाय शेयरिंग इटसेल्फ बहुत हेल्पफुल होगा. यस, एनीवन क्वेश्चन पूछने वाला? हमको लगता नहीं है सर. अच्छा अच्छा, तो फिर हम उसको यही रहने दें आप आज के लिए. ठीक है, अब हम लोग का सेशन यही खत्म कर देता है. तो थैंक यू जावेद सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद अस और थैंक यू पार्टिसिपेंट. आप लोग जो क्वेरीज था लगता है आप लोग को मिला होगा. एनी फर्दर आप लोग को बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होगा पूछना होगा, साइंस सेंटर है अरुणाचल प्रदेश का आईजी पार्क में और वहां से जावेद सर का लिंक भी मिल जाएगा. आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं साइंस सेंटर में कोई भी टेक्निक्स को लेकर. तो सभी को थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम. थैंक यू.